बैक टू माय चैनल तमन्ना ब्लॉग। सो गाइस मैं आ गई वापस धर्मशाला। सो गाइस मैं आ चुकी हूँ वापस धर्मशाला और मैं जा रही हूँ जिम। मेरी फ्रेंड्स काफी उदास हो गए थे, कब आएगी। और आज मुझे पता चला कि रितिका दीदी वगैरह नहीं आ रहे हैं जिम। वो बोला हम कल आएंगे, बट उनको तो पता है और टेंजन को नहीं पता कि मैं आ रही हूँ। मैंने टेंजन को पूछा कैसे चल रहा है जिम, बढ़िया। मैं कल जाओगे जिम? कहती हाँ जाऊंगी 7:30। तो मैं भी उसी टाइम पे निकली हूँ, उसके आसपास मैं मतलब 15-20 मिनट लेट पहुंचूंगी। और फिर मैं गाइस जिम वाले सबसे मिलूंगी तो आपको दिखाएंगे उनका रिएक्शन। बाकी रितिका दीदी वगैरह तो कल आएंगे। और जल्दबाजी में मैं सामान जो उनके लिए गिफ्ट लाई थी वो वहीं भूल गई घर पे। मैं वैसे ही शेकर उठा के हाथ में ले आई और मेरा बैग बुक वहीं रह गया जिम में। तो अब जाके मिलती हूँ गाइस उनसे और आपको रिएक्शन दिखाती हूँ टेंशन का, क्योंकि उसको बिल्कुल भी नहीं पता कि मैं आ चुकी हूँ। और तभी तो उसने बोला नहीं कि हाँ आप आ रही हो कल, अभी इसलिए पूछ रहे हो क्योंकि उसको पता ही नहीं है इतना। रितिका दीदी से मेरी रेगुलर बात होती थी तो उनको थोड़ा पता है कि मैं मंडे आ रही हूँ। सो गाइज अब जाते हैं, रिएक्शन देखते हैं। और मौसम हो रखा है बहुत ही ज्यादा जबरदस्त गाइज, बहुत ही जबरदस्त। इतना सुकून पता ही नहीं चल रहा कि गर्मियां चल रही हैं कि सर्दियां चल रही हैं। एसी भी मैंने बंद कर रखा है, पर बहुत ही ज्यादा बढ़िया मौसम हो रखा है गाइज। वेट मैं आपको मौसम दिखाती हूँ, चेक कर इधर का मौसम, चेक कर करो गाइज मौसम चेक करो। एंड ठंडी हवा चल रही है गाइज, बहुत ही जबरदस्त मौसम हो रखा है, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त। ये 7 बजे का मौसम का टाइम है, ये देखो। और देखो दिख दिए ना फिर पहाड़ियां, देखो क्या मौसम हो रखा है सीरा। मैंने पार्किंग लगा दिया, पार्किंग भी मुझे पहली बार अच्छी मिली है। मुझे तो पता नहीं था कि यहाँ भी पार्किंग लग सकता है और नीचे है जिम। सो अच्छे से मेरी पार्किंग लग गई है और अब मैं जा रही हूँ जिम। देखते हैं जिम का रिएक्शन जाके सबका। बने रही है ब्लॉग के साथ, स्टे ट्यून्ड। हेलो सर, फोन। मैं जिम में ज़्यादा ब्लॉग बना नहीं सकी क्योंकि ना टेंशन आई थी ना रितिका दी दीपिका दी, वैसे ही नहीं आ रही, उनका ऑपरेट हो रखा है। तो कल ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी ये वाला। आज मुझे खुद ही सरप्राइज मिल गया, वो आए नहीं जिम ही नहीं आए। तो गाइज कल ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं, स्टे ट्यून्ड। तो गाइज जिम वाला जो ब्लॉग है वो कल कंटिन्यू करूँगी मैं। आ गई वॉशिंग करवाने जिम से, डायरेक्ट मैं वॉशिंग कराने आ गई भूखे बारी, क्योंकि गाड़ी इतनी सुंदर है बट मिट्टी के कारण ये बिल्कुल भी सुंदर नहीं लग रही है। और मेरे पास जो चीज़ हो तो मैं उसको बड़ी केयर से रखती हूँ। आपने जैसे कि देखा होगा आल्टो को भी मैं बड़ी केयर से रखती हूँ चमका के, तो इसको मैं लाई हूँ चमकाने के लिए। और मैं बहुत दूर वॉशिंग करवाने आई हूँ क्योंकि यहाँ बहुत अच्छे से काम करते हैं दिल से। एंड पूरी तनो चमक जानी फिर आऊँगा नज़ारा। तो गाइस देखो अभी हालत देखो इसकी, बिफोर आफ्टर देखना। 2.5 घंटे होने के बाद फाइनली दोनों हमारी चमक गई है, ये देखो। भैया भाग गए, छुप गए कैमरे से, देखो पूरी चमक गई है, लश कर दी है पूरी। हूँ आ देख मान दिया हूँ, आ देखो पूरी चमका दी है गाइस। हिफाजत से चीज रखते हैं हम, ये आ गई देखो। देखो गाइस पूरी चमक दी है ना, देखो मिट्टी ना भरी पी सी जब चंडीगढ़ तो लेके आया। देखो गाइस गुड मॉर्निंग हो चुकी है और गुड मॉर्निंग होते होते मुझे कौन मिला। टेंशन आपका दिल लग गया था मेरे बिना? नहीं लगा है? बहुत मिस किया है। मेरे गिफ्ट पसंद आया? बहुत पसंद आया। दीदी को पसंद आया? सबको पसंद आया। तो गाइस मैं फर्स्ट टाइम अपने टेंशन के लिए लाया गिफ्ट और टेंशन को बिल्कुल पास हो गया। मैं इंप्रेस हो गई। ओह माय गॉड, मैंने इंप्रेस कर दिया थी सुंदर लड़की को। आपके फ्रेंड नहीं आया आज? आएंगे लेकिन मैं पहले आ गई। ओह सही है। डॉगी ने अब तो नहीं काटा? नहीं। इनको डॉगी ने बाइट कर लिया था बट ये बच गए, इन्होंने अपना बचाव कर लिया खुद ही। तो अब हम जा रहे हैं, हमारे और टीम वाले आते नहीं हैं, दीदी वगैरह सब छुट्टी मार रहे हैं जब से बारिश हो रही है ना। लेकिन हम कंसिस्टेंट रहते हैं। हाँ मेरे को टेंशन ने बहुत मिस करा, मैंने भी टेंशन को बहुत ज़्यादा मिस करा। अभी जाके देखते हैं आज दीपिका दीदी वगैरह आएंगे कि नहीं। अब दीपिका नहीं रितिका दीदी वगैरह। और आप पहुंच चुके हैं जिम में, ये बंदे के दर्शन होंगे आपको सबसे पहले। गाइस काफी दिनों बाद मुझे मिले कौन? गाइस जिम में आई थी आज रितिका दी, दीपिका दी नहीं आई है, रितिका दी आई है और काफी टाइम बाद आए हैं। ये है हमारी रितिका दीदी। हेलो। इतनी छुट्टियां मारती हैं, बहुत ही ज्यादा छुट्टियां मारती हैं भाई। आ जाया करो, हमारा दिल नहीं लगता, हमारे दिल का भी देख लिया करो।
आज मैंने गाइस मुझे लगता है शायद थोड़ा ठीक वर्कआउट लगाया है और आज मैंने एयरपोर्ट्स भी नहीं लगाए क्योंकि दीदी होती है कुछ बोलते रहती है मैं फिर सुनाई नहीं देता इसका भी मैं लगाई हूँ। देखो कितनी ज्यादा स्वेटर आपको मेरे गिफ्ट कैसे लगी पहले तो बहुत ही अच्छे ये गाइस मेरे को अब सबके साइज का पता लग गया है बहुत अच्छी इनको गिफ्ट लगी और टेंशन को भी बहुत अच्छी दीपिका दी को बहुत अच्छे करवाई थी मैंने इन्होंने स्पेशल वीडियो कॉल करके उनके एक्चुअली पैर में लगी है इस करके वो आ नहीं सकते पर उनको हम बहुत मिस करते हैं वो मेरे ब्लॉग भी देखते हैं और मेरे ब्लॉग भी 3 दिन से नहीं आ रहे क्योंकि मेरा दिल ही लग रहा था ये आते ही नहीं थे हम रेगुलर आएंगे रेगुलर करेंगे ब्लॉगिंग हाँ और साथ में आपको वर्कआउट भी बताएंगे क्या क्या करते हैं कल से रेगुलर मेरे ब्लॉग्स आएंगे और तमन्ना इतनी फिट कैसे हो रही है इस चीज का पूरा पूरा आपको बताया जाएगा क्या क्या ये वर्कआउट करती है वो डेली सारा कुछ क्या क्या खाती है वो भी आपको सारा कुछ सब बताया जाएगा बने रहिए ब्लॉग के साथ स्टे ट्यून्ड बाय बाय। इसमें जिम लगा के निकल चुकी हूँ और बहुत ही तेजी से बारिश हो रही है देख सकते हो आप बट मैंने लेना है सामान अपने भाई के लिए वो जा रहा है आज चंडीगढ़ का कोई पेपर वगैरह है तो 2-3 दिन के लिए तो उसके लिए लेना है मैंने पिट्ठू इसलिए मैं जिम से लेट निकली कि चलो शॉप्स वगैरह खुल जाए तब जाऊँ ये खड़ी है अपनी दोनों चलो चले लेट्स गो बहुत तेज़ बारिश हो रही है बहुत गाइस मैं ले रही हूँ बैग करने के लिए और बारिश हो रही है बहुत ही ज़्यादा तेज 2-3 दिन के कपड़े डालने के लिए ऐसा कुछ मैं बैग देख रही हूँ अगर मिल जाए तो जी तनु के लिए ले लिया है बैग मैंने तनु बोल रहा था मेरे पास बैग नहीं है तो उसके लिए ले लिया है बैग तो वैसे पड़े हैं पर 2-3 कपड़े डालने के लिए वैसे नहीं है जो पिट्ठू है उसके बाद ट्रैकिंग वाला वो काफ़ी बड़ा है बाकी और का बैग बड़े हैं इतने दिन उसने जाना नहीं उसने जाना है 2-3 दिन तो ले लिया है सामान अब जा रहे हैं घर और कल वो बात कर रहा था और आज मैं ले भी आई देखते हैं खुश होता है कि नहीं होता वैसे तो नखरे बहुत मारता है वो चीज़ों को पर फिर भी देखते हैं मेरी पसंद कभी ऐसा ना हो उसको पसंद ना आई हो बाकी जाके देखते हैं गाइस अभी मैं जिम से आई और आप ये देखो दो मोटी लड़कियां इतनी जोर जोर से झूला झूल रही हैं और ये हमारी बंसु झूला बोल रहा है छोड़ दे प्लीज मुझे छोड़ दे उतरिया नहीं उतरना छोटी बुदू भाई उतरना कि नहीं 3 गिनने मैं अरे वो इतों फिर इसी मैं दस गई 1-2 उतरना कि नहीं पकड़ चूल्हे लाई दे सट गिरा इसको ये देखो ये गाइस ये है हमारी बंसु आप देख सकते हो नहीं तुझे प्याग प्याग चूल्हे चूल्हे का काम है और कोई काम नहीं आपको नहीं आ जा नीचे आ जाना आऊंगी मैं आज ऊपर देखते नहीं पक्का आऊंगी। सो गाइज ये झूल रहे हैं झूला और मौसम और का बड़े जबरदस्त गाइज मैं जब भी ब्लो ड्रायर कराती हूँ तो मेरे साथ ऐसा होता है कि आगे ही पैसों की कमी चल रही है बहुत तो गाइज जैसे ब्लो ड्रायर कराती हूँ बारिश आती है पानी उससे बाल खराब हो जाते हैं मेरे और फिर कर्ली जैसे हो जाते हैं तो पोनी करना मुझे बहुत ही गंदा लगता है क्योंकि जितनी तेज पोनी करती हूँ मेरे सिर दुखता है बहुत अब जाके तनु का रिएक्शन देते हैं उसको देते हैं फिर बाय मैं आ चुकी हूँ घर सबसे पहले आपको दर्शन कराते हैं मैक्स के इन बाहर चले जाना बाहर बंद कर नहीं बाहर चले जाना तो गाइस पिट्ठू हो रहा था मैं ले आई हूँ भाभी पिट्ठू अरे यार हट मैं देखो पहले जो बढ़िया लगा नहीं था एक्सचेंज करा लिया मैं बोले जिस तुम आ ही सकता भाई हमारे जा रहे हैं हम करेंगे पीछे से फुल फन भाभी हमको लेके नहीं जा रहा इसलिए हम करेंगे पीछे से फन दुकान ना दे बंदा हाँ किचन में अंदर ये क्या करा है ना लाइट चली गई है और ये है क्या बोलते हैं उनको किचन की रानी किचन में दिखेंगे आपको क्या बोल रहे ओ जिम से आते मुझे लगी थी बहुत ज्यादा भूख मैंने फटाफट अपना नींबू पानी पिया उसके बाद मैं खा रही हूँ दही का रायता करूँ और आलू न्यूट्री और 2 चपाती 2 एग मजा आने वाला है बहुत ही भूख लग रही है बहुत ही ज्यादा साथ में देखूंगी बिग बॉस सो गाइज मैं देख रही हूँ बिग बॉस फिर नहाऊंगी बहुत नींद आप क्या कर रही हो मैम मैं तेरे को बोलने आई ये देखो कुछ चज सीख ले इधर एक 3 सूट सीला मेरा देख कितना बढ़िया देख
खाना भी बनाना, मैंने सिखाया उनको काम भी करना। ये देख कुछ चज सीख ले, देख कितना बढ़िया सूट सी ले। आपको आते सीने हैं? चल मेरे को तो नहीं आते ना, तो मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा देख कितना बढ़िया सी ले, फिटिंग देख, कोई बोल सकता? आपका पेट भी बच रहा है इसमें, दिख नहीं रहा, नहीं तो पेट इतना दिखता, इतने मोटे हो आप। ये पतला है ना सूट? अच्छा ये पतला है ना, देख। देखो गाइज ये भाभी ने सूट सिला है, तो बहुत मिस मलोरमा बन रही है, हीरोइन बन रही है। कितना बढ़िया सिले, एक ही सूट है बस ना? तीन सूट है सिले मेरे। कहाँ गए तीनों बाकी? वो परे हैं, पहन लिए वो है? ना ना यही पहना। देख गुड गर्ल जाओ, आप सीख कुछ, सीख कुछ, जा कुछ सीख। साथ में खाना बनाना, सारा घर का काम करना, साथ में सूट सिलने, मेरे भी सिले, अपने भी सिले हैं। आप जाओ अंदर, कुछ सीख। मैं बोल रही कुछ सीख। गाइस ये सूट पे सूट बदल लिया, दूसरा सूट ले आ पाए। ये देख फिर सीख, कुछ सीख गाइस। ये देख भाभी सूट मत सिया करो, ये देख कितना बढ़िया। फिर बस खाना सोना, खाना सोना, बस बाकी कोई काम नहीं। पकौड़े लेके आओ, जब मौसम बड़ा बढ़िया बारिश वाला, पकौड़े लेके आओ। ए है लपर लपर खाने जी, लपर लपर जाओ जल्दी पकौड़े लेके आओ। देख एक देख इस, फिर आ गई दिमाग खाने। ए देख एक, ये हो गए तीन सूट, तीन है कि चार? एक और है, वो भी पहन के आओगे ना? मैं तेरे को दिखा रही हूँ ना, ये देख कितना बढ़िया। और देख इसमें लाइनिंग लगाई है। ओ वाओ नाइस, देख कभी खुद भी सीख लो। वो मेरी आई तो फिर मैंने क्यों सीखना? वो देख कुछ मुझे सीख। गाइस इन्होंने दिमाग खा लिया, देखो। अब मत आना रूम में। ये देखो यहाँ बच्चे कैसे झूल रहे हैं। ओए मेरी मत लो, बड़ा लुका था, रुक रुक रुक। ओ देख बंसू भी रुकी पे, बाबे हो आ देखो बुरा हाल होया पया। इतनी ज्यादा बारिश लगी है, मैंने ले लिए हैं मोमोज और गाइस इतनी तेज बारिश में मैंने ले लिए मोमो और मम्मी के लिए पनीर वाले मोमो और चिकन मोमो, मटन मोमो, और मैंने ले लिए चिल्ली चिकन भाभी के लिए, और मैं अब खा रही हूँ ये क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। मैं हो गई बहुत ही ज्यादा गिल्ली, और ये शर्मा जी देखो मजा ही आई है। देखो कविता जी भी बहुत ज्यादा गिल्ली हो गई है। सो गाइस पहुंच गया घर खाने पीने के लिए, इनके लिए ले रही थी, तब होगी मैं लेट, तब हम खा रहे हैं मोमोज और फिर खाएंगे अपना क्या भूलिए चिली चिकन और खाएंगे मस्त रोटी। तो आज का ब्लॉग इधर ही खत्म हो गया है, आज का ब्लॉग इतना ही। ब्लॉग बढ़िया लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ओके बाय, मम्मी बोलो ओके बाय।